रनिंग वाले जितने भी बंदे हैं एप्स लाना चाहते हैं, और जो घर बैठे रहते हैं उन वो भी एप्स लाना चाहते हैं, वो भी कहते हैं कि एप्स आए या मेरा फैट कम है, बस इतना चाहते हैं। आपको बाहर से ऐसे लेग लेना, देखो मैं इस साइड से दिखाता हूँ, ये वाला लेना ऐसे पोस्ट, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो काफ़ी जल्दी आपके एप्स भी आएंगे, बेली फैट भी कम होगा। हमारा जो मेन टिप है जिससे मैं बोल रहा था आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा, वो आएगा कैसे, जय हिंद, मैं अभय सिंह देवतिया, और आज की वीडियो में बात करेंगे बेली फैट के ऊपर, एब्स के ऊपर और आपकी पेट की चर्बी के ऊपर। इस वीडियो में सब कवर करूंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टिप्स के ऊपर, ये क्यों हो जाता है और किस तरह बचे और कैसे यूज़ करना है जिससे आपका जल्दी से बेली फैट खत्म हो। मैं सिर्फ 7 दिन के लिए आपसे कहता हूँ, सिर्फ 7 डे आप इस चीज़ को यूज़ करके देखो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेली फैट क्यों बढ़ जाता है, ये किस कारण से होता है, आपके बेकार डाइट से, आप जो खान पान करते हैं उससे हो जाता है। क्या होता है, आप जो खाते हो ना वो पचता नहीं है अच्छे से, वो यहाँ जमने लग जाता है, तो बेली फैट होता है, तो इसे बोलते हैं हम बेली फैट। यहाँ की चर्बियाँ बढ़ने लगती हैं, अगर ये चर्बी आपकी इतनी है, इतनी पतली है, तो आपके एब्स आने में काफ़ी आसानी होती है, पर आपकी चर्बी काफ़ी मोटी है जिसे हम बोलते हैं 10% से अबव, तो एब्स आने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए बहुत सब यही चाहते हैं कि एप्स जल्दी आए, रनिंग वाले जितने भी बंदे हैं एप्स लाना चाहते हैं, और जो घर बैठे रहते हैं उन वो भी एप्स लाना चाहते हैं, वो भी कहते हैं कि एप्स आए या मेरा फैट कम है, बस इतना चाहते हैं, ठीक है। तो फैट करने कम करने के लिए सबसे पहले टिप ये है कि जब भी आप खान पान करो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसे अच्छे से चबाएं, और जो जितना भी फास्ट फूड है उसे अवॉइड करें, जितना भी हो सके हरी सब्ज़ी पे ज़्यादा ध्यान दें, रोटी सब्ज़ी ज़्यादा खाएं, बस फास्ट फूड पे ध्यान मत दो। और जो खाना खान पान जब आप करो तो कुछ भी ऐसी लिक्विड चीज़ ऊपर से मत लो, लस्सी हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, उसके साथ मत लो, आधे एक घंटे बाद ले लेना या उसके 1-2 घंटे बाद ले लेना, इतना होता है। क्योंकि जब आप खाते हो ना तो जब हम खाते हैं तो क्या होता है, पचता है, और जब आप पानी वानी पीने लग जाते हैं तो मशीन जो हमारी रुक जाती है, आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो जो मशीन होती है ना रुक जाती है, काम करना बंद कर देती है, जिससे क्या होता है आपको यहाँ बेली फैट जमने लग जाता है, एब्स नहीं आते। ऑयल अवॉइड कर दो, अगर आप मीठे पे ज़्यादा ध्यान देते हो, शुगर ज़्यादा खाते हो तो उसे कम कर दो, शुगर से नहीं आते एब्स, ठीक है। सबसे पहली बात, शुगर से बिल्कुल एब्स नहीं आएंगे, मीठे खाने से सिर्फ चर्बी चढ़ती है और कुछ नहीं होता। और अब बात करेंगे हम कुछ ऐसी बेस्ट एक्सरसाइज, सिर्फ 5 एक्सरसाइज बताऊंगा, 5 एक्सरसाइज अगर आप इनको फॉलो करोगे तो काफ़ी जल्दी आपके एब्स भी आएंगे, बेली फैट भी कम होगा। सबसे पहले हम बेली फैट के ऊपर बात करेंगे और एब्स के ऊपर भी करेंगे, पर सबसे पहले मेन है बेली फैट। बेली फैट की जो सबसे मेन एक्सरसाइज है वो यहाँ के लिए वो ये वाली है। ज़रूरी नहीं है आप ऐसा करो, अगर आप इससे लोड नहीं हो रहा तो आप हाथ में कुछ वेट ले सकते हैं, अगर आप जिम करते हैं तो जिम में वेट ले सकते हैं, जिम नहीं करते तो ईंट ले लो, ईंट लेके हाथ में ऐसे लेके और इस तरह कर सकते हो। और ध्यान रखें बॉडी को आपको बाहर नहीं करना ना पीछे करना, ये वाला पोजीशन नहीं करना, आपको क्या करना है बॉडी के बिल्कुल सटीक हाथ लगा के ये ऐसे निकालना है यहाँ से, ये जो कि यहाँ की दबे, देखो मेरा ये हिस्सा दब रहा है, ठीक है, ऐसे। दूसरी एक्सरसाइज जो हमारी पहली एक्सरसाइज है, इसको आपको जो है 2-3 बार करना है दिन में, और बाद में एक ऐसी टिप बताऊंगा अगर वो लास्ट में अगर आप उसे फॉलो करोगे तो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा डबल, ठीक है, पर वो लास्ट में बताऊंगा, वो सिर्फ उन बंदों के लिए रहेगा जो लास्ट तक इस वीडियो में देखेंगे। दूसरी एक्सरसाइज हमारी कि आपको जंपिंग करना है, जंपिंग करने से क्या होता है आपके यहाँ फैट दबता है ऐसे जंप करने से, आप देखना जब आप जंप करोगे ना तो आपका पेट भी अप डाउन होता है, और आपको ये कितनी देर करना है, 1-1 मिनट करना है, 1-1 मिनट के रैप लगाने दो, और सिर्फ 10 सेकंड का रेस्ट लेना हर 1 मिनट का। जंपिंग देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ, पैर बस इतने उछलने चाहिए, ज़्यादा नहीं, ना ज़्यादा ना ज़्यादा, बिल्कुल कम, हवा में आने चाहिए थोड़े थोड़े, ठीक है। फिर जब आप ये करने लग जाओ, तीसरी एक्सरसाइज हमारी क्या है, ये वाली, ये जितनी भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ सिर्फ 2-2 करनी है, और क्या नाम है, हर 10 सेकंड का रेस्ट देना है, ठीक है, 2-2 करनी है। तीसरी एक्सरसाइज हमारी क्या है, इससे क्या होता है, इससे ना आप जब यहाँ ये वाले मोशन में जाते हो, इस मोशन में जाने से यहाँ का आपका ये वाला हिस्सा, जो ऊपर वाला हिस्सा है, हमने इस वाली एक्सरसाइज करवा दी थी, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये दबता है, इसे दबने से क्या होता है, ये जो बेली फैट है कम होने लगता है, बर्न होने लगता है, ठीक है। कैलरीज पे कम ध्यान दो, जितना हो सके मीठे, मीठे में आपको पता होगा सबसे ज़्यादा कैलरीज मीठे में पाई जाती है, तो मीठे को ज़्यादा अवॉइड करो। कैलरीज बर्न करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है रनिंग, रनिंग करते तो अच्छा रहता है, रनिंग करा करो, ठीक है। रनिंग करने से आपका कैलरीज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बर्न होता है, ठीक है। अगर रनिंग नहीं कर सकते तो ये जितनी भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ ना, ये भी आपकी कैलरीज काफ़ी बर्न करेगा। हमारी 3-4 एक्सरसाइज हो चुकी है, 5वीं एक्सरसाइज हमारी एब्स के लिए जो हम बोलते हैं, ठीक है,
मैं एक दो एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ इसमें। सबसे पहले ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है, इसमें ही दूसरा पोस्चर कौन सा है, इसमें दूसरा पोस्चर है ये रनिंग वाला, इसे हम बोलते हैं माउंट क्लाइंबिंग। ये सारी एब्स के लिए, बेली फैट के लिए होती हैं ये सारी एक्सरसाइज, ठीक है। तीसरी एक्सरसाइज, सॉरी इसमें तीसरी एक्सरसाइज, आपको बाहर से ऐसे लेग लेना, देखो मैं इस साइड से दिखाता हूँ, ये वाला लेना ऐसे पोस्चर, ठीक है, सिर्फ इतना करना है ये, ये वाला इधर से मेरे को इतना जोर पड़ रहा है, दर्द होने लग गया है यहाँ पेट में, ठीक है, ये वाला हिस्सा दर्द करेगा, ठीक है, ये वाला ऐसे बाहर लेना है, कैसे, देखो दोबारा, लेग आउटर में लेके फिर इन लेना है, ठीक है, ऐसे आउटर में लेके फिर इन, फिर आउट, आउट इन, आउट इन, आउट इन, ठीक है, दोनों लेग से करने हैं 10-10 बार, ठीक है, और रैप लगानी है इसकी दो, हर जितनी भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ ना सबकी दो दो रैप लगानी है। मैंने नीचे पुशअप पोजिशन वाली उसमें ही तीन आपको एक्सरसाइज बता दी, जंप वाले उसमें तीन एक्सरसाइज बता दी, इसमें मैं एक और एक्सरसाइज बताऊंगा, वो होती है प्लैंक, ठीक है। प्लैंक कैसे करते हैं, प्लैंक करते हैं ऐसे, ठीक है, जितने भी अच्छे बंदे हैं इससे बहुत काफ़ी जोर पड़ता है। अगर आप रनिंग नहीं करते तो प्लैंक कर लो दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को, रैप लगा लो 2-2। आप मेरी बॉडी पोस्चर देख सकते हैं, पूरी ऐसे सीधी होनी चाहिए और इससे काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ता है, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपके हाथ भी टाइट होंगे, आपका बीच का जो फैट होता है ना ये काफ़ी बर्न होगा, और साइड का भी, ठीक है। और बहुत सारी एक्सरसाइज ले आऊँगा बाद में, एक और वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, आप कमेंट बॉक्स में बस कमेंट कर दें। हमारा जो मेन टिप है जिससे मैं बोल रहा था आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा, वो आएगा कैसे, रेस्ट एंड रिकवर करके। आपका क्या करना है, सिर्फ हफ्ते में 3 बार करना है ये वाली एक्सरसाइज जितनी मैंने बताई है। कैसे, एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसे मंडे कर लिया तो ट्यूजडे को छोड़ दो, वेनसडे को कर लो, थर्सडे को छोड़ दो, फ्राइडे कर लो, सैटरडे को छोड़ दो, संडे को कर लो, सिर्फ 3 दिन करना है। और ये क्या होगा, इससे होगा रेस्ट एंड रिकवर, जितने भी आपकी मसल्स टूटी हैं ऐसे करने से वो जल्दी से रिकवर होंगी, और रिकवर होने से एब्स भी जल्दी आएंगे और बेली फैट कम होगा। डेली करोगे तो जल्दी से इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला, पेन होगा बस, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए। और एक चीज़ और, जो ये बोलते हैं कि खान पान छोड़ने से जो है बेली फैट कम हो जाएगा, नहीं, खान पान अच्छे से करो सब होगा, ठीक है, रोटी सब्जी मत छोड़ो, डाइटिंग पे मत रहो, सब आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, कमेंट बॉक्स में अगर आप सब कहोगे कि बेस्ट एक्सरसाइज और लाओ तो और जल्दी ले आऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।